शहर के पाचपावली परिसर में नागपुर महानगरपालिका मेडिकल सर्विस सोसाइटी और जमात इस्लामी हिंद के संयुक्त तत्वावधान में डेडिकेटेड कोविड सेंटर शुरू किया गया है, जहां मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। ऐसे विकट परिस्थिति में जमात इस्लामी हिंद मेडिकल सर्विस सोसाइटी द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर डॉक्टर, नर्स और अन्य स्टाफ निस्वार्थ रूप से सेवा दे रहे हैं। आइए सीधे जानते हैं यहाँ के डॉक्टर द्वारा यहाँ के मरीजों पर किस तरह उपचार किया जाता है। आज हम पाचपावली कोविड सेंटर जो है यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे जो लोगों की सेवा हो रही है, जिस तरह से लोगों को ट्रीटमेंट दी जा रही है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ जो है इरफान पटेल है यहाँ के, इनसे जानेंगे कि किस तरह की ट्रीटमेंट यहाँ के मरीजों को दी जा रही है। मैं इरफान पटेल, यहाँ का पाचपावली कोविड सेंटर से। जो आज की तारीख में महामारी जो चल रही है, जिसमें अपना रिश्तेदार भाई बहन कोई किसी को हाथ नहीं लगा रहे, ऐसे में हमारे जमात इस्लामी इनके लोग आगे आए हैं। NMC के लोग हैं, MMS कंपनी के लोग हैं, जो लोगों को निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें उन लोगों ने कोविड पेशेंट को अपने अंडर में रख करके ट्रीटमेंट, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जिसमें हमारे यहाँ से डॉक्टर जमात इस्लामी इनके सिटी प्रेसिडेंट डॉक्टर अनवर सिद्दीकी है, NMC के मैडम डॉक्टर भोयर मैडम है, और डॉक्टर नईम सर है MSS के। इन लोगों का, तीनों का मिलकर के जो यहाँ पर में बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, जिसमें लोग पॉजिटिव पेशेंट, नेगेटिव पेशेंट की जो टेस्टिंग भी की जा रही है, जिसके अलावा यहाँ पर पॉजिटिव जो पेशेंट्स है अंडर रिस्क वाले, वैसे पेशेंट का ट्रीटमेंट भी यहाँ पर में किया जा रहा है। रहने का, खाने पीने का, यहाँ से सारी सुविधाएँ, सारे सामान इन लोगों को अवेलेबल, और दवाइयाँ भी यहाँ पर में अवेलेबल करवाई जा रही है। यहाँ पर मैं मैडम अंडर, जैसे जिनका स्कोर है 30 के अंदर स्कोर्स वाले पेशेंट्स को यहाँ पर मैं ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और उन लोगों का मतलब खास देखभाल में अंडर ऑब्जर्वेशन में रख करके उनका सारा ये किया जा रहा है। ये साथ में हमारे डॉक्टर शफीक खान साहब लगे हुए हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद शफीक, मैं यहाँ पर हमारे एक दामाद हमारे यहाँ एडमिट है, और मैं यहाँ 4 दिन से यहाँ पर उनकी खिदमत में लगा हूँ। मगर मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय दयाशंकर जी तिवारी, जो नागपुर के मेयर हैं और जो यहाँ के नागपुर के जो कलेक्टर है अरविंद ठाकरे साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके प्रयासों से, और नितिन जी गडकरी की जी और देवेंद्र फडणवीस साहब के प्रयासों से ये जो सेंटर खुला है। यहाँ पर हर समाज के लोगों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। यहाँ 3 लोगों ने मिलकर खोला है, कॉरपोरेशन की टीम है, उसके बाद में यहाँ जमात इस्लामी की टीम है, और MS करके जो मेडिकल सर्विस है सोसाइटी, उनकी टीम है, उन्हें मिलकर खोला है। और यहाँ जो भोहर मैडम है, यहाँ के जो जोनल अधिकारी हैं, और डॉक्टर अनवार सिद्दीकी साहब जो जमात से है, ये पूरा और उनकी टीम, पूरे लोग मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं, और हर समाज के लोगों का यहाँ ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से किया जा रहा है। जिनका 13-14 RT-PCR HRCT रहता है, उनके अंदर के पेशेंट को लेते हैं। खाना यहाँ से पूरा उनका फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, दवाई मेडिसिन फ्री ऑफ दिया जा रहा है, और 100% सर यहाँ पर क्योरिटी है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इन लोगों का, और दुआ करता हूँ कि सब अच्छे से। नमस्ते, मैं डॉक्टर वसुंधरा भोयर, NMC नोडल ऑफिसर हूँ। यहाँ पे CC यानी क्वारंटाइन सेंटर है, पाचपौली क्वारंटाइन सेंटर और पाचपौली DCSC, जहाँ पे अपने O2 बेड्स लगे हुए हैं और पेशेंट एडमिट रहते हैं माइल्ड टू मॉडरेट वाले, प्लस टेस्टिंग सेंटर भी है जैसे पीछे आप देख रहे हैं। यहाँ पे RT-PCR टेस्ट की जाती है, तकरीबन रोज़ 200 से 300 लोगों की रोज़ RT-PCR की टेस्ट होती है अपने यहाँ पे। इसी तरह पीछे के साइड में CC है यानी क्वारंटाइन सेंटर, जहाँ पे अपने को कोविड केयर पेशेंट्स रखे जाते हैं। यहाँ पे तकरीबन रोज़ एडमिट होते हैं, 10 से 15 एडमिशंस होती है अपने यहाँ पे। जिनको कुछ भी सिम्टम्स नहीं है या फिर माइल्ड सिम्टम है, उनको अपने यहाँ पे रखा जाता है ऑब्जर्वेशन 10 दिन के लिए। उसके लिए CC है पीछे में। फिर अपना अभी जस्ट यहाँ पे DCSC बना हुआ है, 1 तारीख से खुला हुआ है, जहाँ पे अपने O2 बेड्स लगे हुए हैं। 78-80 बेडेड हॉस्पिटल है ये, जिसमें अपने को माइल्ड से मॉडरेट, जैसे जिनको थोड़ी बहुत तकलीफ है या फिर थोड़ा बुखार है, जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 तक है, ऐसे पेशेंट्स अपन यहाँ पे एडमिट करते हैं। तो तकरीबन रोज़ 10 से 12 एडमिशंस यहाँ पे भी होती है अपने DCSC में। उसी तरह जो अगर पेड्स किसी को नहीं मिल रहे हैं बाहर पेशेंट्स को, O2 जिनको थोड़ा सा O2 जिनका और ज़्यादा कम है लेवल, तो हम यहाँ पे एडमिट करते हैं उनके, और पूरा यहाँ पे इलाज किया जाता है। इंजेक्शंस दी जाती है उनको, O2 दिया जाता है, रेमडेसिविर के इंजेक्शन भी कंसल्टेंट के हिसाब से जिनको लगना है, फिजिशियंस जैसे जिसको एडवाइस करते हैं उनको हम लोग फिर रेमडेसिविर के इंजेक्शंस भी देते हैं। पूरी तरह से उनके लिए जाती है, जब तक पेशेंट ठीक ना हो तब तक हम डिस्चार्ज देते नहीं हैं।
इन एडवाइस, अगर उनको बाहर कहीं और एडमिट करना है तो हम फिर उनको डिस्चार्ज देते हैं। नागपुर महानगर पालिका, जमात इस्लामी हिंद और मेडिकल सर्विस सोसाइटी, इन तीनों के कोलैबोरेशन से ये 78 बेडेड हॉस्पिटल हम यहाँ रन कर रहे हैं। इसको लगभग एक महीना हो गया है। यहाँ से लगभग 600 पेशेंट डिस्चार्ज हो चुके हैं अच्छे होकर, और यहाँ पर हम प्रयास करते हैं कि पूरी तरह से जो भी सुविधा हम अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से सुविधा दे सकते हैं वो दें। यहाँ हमारे पास में लगभग 15 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, एक बड़ा स्टाफ है 30 नर्सेस का, उसके अलावा 40 हमारे वॉलेंटियर्स हैं जो 24/7 यहाँ पर समय देते रहते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये NMC के कोऑपरेशन से और मेडिकल सर्विस सोसाइटी और जमात इस्लामी के कुछ बैकअप से चल रहा है। मेरा नाम डॉक्टर नईम अहमद खान नियाजी है, मैं MSS नागपुर का प्रेसिडेंट हूँ। MSS एक NGO है जो 2007 से कंटिन्यूस काम कर रही है मेडिकल फैकल्टी में। हमारा काम ये होता है कि हम जितने भी गरीब लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो ब्लो पॉवर्टी लाइन्स हैं उन तक गवर्नमेंट की स्कीम्स को पहुँचाएँ, और गवर्नमेंट की स्कीम्स से हम जितना ज़्यादा फ़ायदा उनको दिला सकते हैं वो हम दिलाएँ। तो पाचपौली कोविड सेंटर में जो है NMC मेडिकल सोसाइटी और जो है जमात इस्लामी हिंद, इनके संयुक्त तत्वावधान में ये डेडिकेटेड कोविड सेंटर चलाया जा रहा है और यहाँ पे निशुल्क सेवा कोरोना मरीजों को दी जा रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।